दिवाली। हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज है दिवाली, और दिवाली मनाने के लिए सबसे पहले हम हमारे भगवान को सजाएंगे। तो यहाँ पर मैं भगवान को, जो लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती जी हैं, उनकी पूजा करते हैं ना, तो उनके लिए मैं थोड़ा आसन बिछा रही हूँ। यहाँ पर अलग से उनकी पूजा करने वाली हूँ, अपने पूजा स्थान छोड़कर साइड में ही मैंने किया है। और यहाँ पर पहले मैं फूलों से सजा रही हूँ चीज़ें, उसके ऊपर उनको रखूँगी भगवान को। और मेरे पास जो सिल्वर कॉइन है लक्ष्मी गणेश का, वो रख रही हूँ। उनकी भी आज पूजा की जाती है। तो इसी तरीके से मैंने पूरे अच्छे से सजा दिया है, और इनकी पूजा आज के दिन होगी और शाम को होगी, जब मुहूर्त है उसका तब होगी। तो मैं अभी इसको सुबह ही मैं सेटअप लगा दे रही हूँ, ताकि शाम को घाई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि और भी काम है और घर में गेस्ट भी आने वाले, तो खाना भी बनाना है और भी चीज़ें करनी है। और मैंने एक, यहाँ पर आपको बताया था, एक किट लेकर आई थी, उसके अंदर मुझे सारी सामग्री मिली थी, जिसमें था चंदन, शहद, इत्र, ये सारी जो चीज़ें थी वो मैंने एक बॉल में निकाल के रख दिया था एक साथ। पूरी का जो मसाला है, जो पानी है, वो मैं ऑलरेडी सुबह करके मैंने बना के उसे फ्रिज में रख दिया था, सो दैट थोड़ा ठंडा हो जाए तो और भी अच्छा लगेगा खाने में। तो अब मैं उसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ। मेरे पास एक अच्छी प्यारी सी एक जार है जिसमें टैप लगा हुआ है, तो उसमें बहुत अच्छा लगेगा, एस्थेटिक वाइज बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैं उसमें डाल दे रही हूँ। और अब मैं जा रही हूँ टेबल सेट करने, और यहाँ पर मैं पूरे अपने जो स्नैकिंग आइटम्स है वो यहाँ पर मैं प्लेस करने वाली हूँ। पानीपुरी की जो पूरी है वो मैं पहले ही फ्राई करके मैंने एक पैकेट में अच्छे से रख दिया था, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से फूली थी और बहुत टेस्टी भी थी ये वाली पूरी, और इसे भी मैंने रख दिया। और अब मैं यहाँ पर साइड में एक ट्रे के अंदर पूरे जो भी हमारे स्नैक्स होते हैं दिवाली के, वो सर्व करने वाली हूँ। Thank you.
यहाँ पर है बूंदी का रायता, यह है स्वीट्स, यह है ग्रीन चटनी, यह है आलू बोंडे, यह है दम आलू, यह है छोले की सब्जी और इसके अंदर है राइस और गरम गरम जो पूरी है हम तलेंगे बाद में, और इसके अंदर है गुलाब जामुन। और यहाँ का सेटअप तो आप देख ही चुके हैं, ये सारा सेटअप। यहाँ है फरसान और फिर उसके बाद यहाँ है पानीपुरी का काउंटर और ये है हमारा पूरा घर। और अश्विन को भी दिखाती हूँ मैं, विनी अपना आउटफिट दिखा दीजिए। तो ये पहना है अश्विन ने प्यारा सा कुर्ता। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। यहाँ हमारी हो चुकी है पूजा और अब हम वेट कर रहे हैं हमारे दोस्तों का। और यहाँ पे ना मैंने लक्ष्मी जी के ऐसे पैर बनाए हैं। अरे ये क्या लिखा है तुमने? रुबेन भाई हैप्पी दिवाली। ये क्या लिखा? बट वी कैन ईट टुमारो, नो प्रॉब्लम। एक एक उसके अंदर वेरी हैंडसम हैंडसम लाइक अनिका फाइनली आ गई। रुबेन भाई के सामने फाइनली शी इज हियर। और कब से वेट कर रही हूं मैं सिस्टम भाई लाइक ठीक है। फिर ये चिप्स और ये बेसन का लड्डू और ये बेसन का बर्फी, ये स्नैक्स चकली, आई लव दिस लड्डू। हाँ और ये चकली है, चकली को चकली में नहीं नहीं रेडीमेड हल्दी नहीं येलो लाइट थोड़ा डिम रहता है। सर्व कीजिए सबको, दे दो ना अनिका आपको भी दूं। हाँ, थोड़ा सा मोमो तुम पियोगी? थोड़ा सा जीरो है, थोड़ा सा। अनिका तुम्हें कैसा लग रहा है घर में? अच्छा। और तुम्हें सुंदर सा डेकोरेशन किया, सुंदर लग रहा है तुम्हें? रुबिन भाई आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अभी आप भूख लगी है? थैंक यू सो मच। बोलो सबको, वीडियो देखे लाइक करे, प्लीज सब्सक्राइब हर चैनल, पुट द लाइक बटन। आइए बिग बॉस के घर में आपका स्वागत है। लेट लेट आए ये दोनों। सॉरी हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। रोहन भाई कुछ ज्यादा ही लेट आए हो। सॉरी तीन दिन मेरा जॉब मैं काम नहीं किया, खाली यही काम किया था 72 hours। तीन नहीं 5 दिन लाने में भी तो समय गया ना। आइडिया किसका था? सब कुछ आशीन भाई था। आईडिया एग्जीक्यूशन इंप्लीमेंटेशन सब अपने। 120 आवर्स ओ गॉड। नो नो आई हैव टू स्टे इन दिस होम ओनली सो आई विल टेल द रियलिटी शी डिड दैट। सबको पता है मैंने किया है। होम डेकोर का पूरा उधर है, पूरा यार मेरा। होम डिपार्टमेंट मेरे तरफ है पूरा। सैली बहुत अच्छा लगा, थैंक यू मोनल। खाएंगे, भूख लगी। यस चलो 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 लेट्स स्टार्ट। घर बन गया है। चलो फाइट करते हैं। बिग बॉस चाहते हैं कि हम सब पानी पूरी खाएं। बिग बॉस चाहते हैं हम लोग फाइट करें पानी पूरी के लिए। तो क्या चाहता है? क्या चाहता है? नहीं बॉस भाई आ जाओ डांस से लेके इतना स्पेशल बच्चों में है ना। मैंने एडिशन का जो लड्डू है वो भी स्पाइस वो मुझे फ्रेंड ने दिया हर्षिता। ओके उसका नाम नहीं है बीकानो का।
अपने हाथ से सब बनाना पसंद करेंगे। तुम बना दो, मैं ये पानी निकाल देती हूँ। बताओ मुझे सब कैसा बना है। अच्छा लग रहा, मस्त है ये पूरी तो। पूरी जो मैंने लिया ना वो अजान कंपनी की मत लेना, यहाँ कभी लोगे ना अजान की मत लेना, चक्रा की अच्छी है। कश्मीरी दम आलू, छोले, बूंदी रायता, काजू राइस और सारा बना लिया। हाँ और वो भी है तली पूरी, अपन पूरी तल लेंगे दो मिनट में गरम गरम, क्योंकि वो कड़क हो जाएगी, इसलिए नहीं किया मैंने। हम यहाँ पर सब लोग लेकर आ गए क्योंकि वहाँ पर खड़े रह के खाने में बहुत मजा नहीं आ रहा था, तो सब बैठ के खाएंगे। मैं बना रही हूँ अब गरम गरम पूरियां। हम डिनर करने जा रहे हैं और बज रहे हैं अब 10:45 है ना, 10:45 हो गए ना सही। यस, तो अब हम गरम गरम पूरियां बनाएंगे और हम गरम गरम खाएंगे और उसके बाद हम लोग फुलझड़ी जलाएंगे बाहर। गुलाब जामुन और ये चना, ये चना वो दम आलू, कश्मीरी दम आलू, कश्मीरी दम आलू। चलो खाना खाना स्टार्ट हो गया सब लोगों का। दम आलू बहुत अच्छा बना, डिलीशियस फूड, थैंक यू। सबको मैंने 100-100 रुपए दिए है ये बोलने के लिए। आज दिवाली के दिन दो पैसे दो, अभी चाहते वक्त देती हूँ। अच्छा है, 100 रुपए के हिसाब से है ना आपके पास। भारत रुपए भाई कैसा लग रहा है आपको इंडियन खाना सच्ची? हाँ, मिनिस्टर स्टार्टर है। रूबेन भाई इंडियन खाने के थोड़े ज्यादा फैन है हमारे यहाँ। खाओ सब लोग खाओ, अब हम खाना खा रहे हैं और साथ में भूत की मूवीज चल रही है। अरे मतलब अश्विन का फेवरेट गाना चल रहा है। अरे मेरे कैमरे को देखिए, कुछ तो बोलो। वेरी नाइस, डिलीशियस फूड, डिलीशियस फूड। अब हमारे पास केक आ रहा है जो कि अनिका ने बनाया है अपने हाथों से, और उसकी खास बात केक ये है कि वो पेस्टल शेड्स में उसने बनाई है, क्योंकि मेरे घर में सब कुछ पेस्टल पेस्टल है, इसलिए उसको मैच करने के लिए उसने इतना प्यारा केक बनाया। थैंक यू अनिका। थैंक यू। कहाँ पे रखो? ओके, ये जो केक है ये अनिका ने बनाया है और हम सब लोग इसको मिलके कट करेंगे। बच चुके हैं तो आप इस केक को खा सकते हैं। हम इसलिए वेट कर रहे थे क्योंकि इसमें कारा मुना है, एग है, तो इसलिए दिवाली के दिन नहीं खा सकते, इसलिए हम नहीं कट कर रहे थे। थैंक यू अनिका, ब्यूटीफुल केक। चलो सब लोग मिलके कट करेंगे। हैप्पी दिवाली के लिए आप लोगों के लिए अनिका की तरफ से और हमारी तरफ से। हैप्पी दिवाली।